आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, सो द क्वेश्चन इज व्हिच इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग क्राइप्रोटीन। कहते क्राइप्रोटीन के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। ये बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस एक बनाता है बीटी टॉक्सिन, जिसको हम क्राइप्रोटीन भी कहते हैं। बीटी नाम इसके बैक्टीरिया के नेम से है, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। ये क्या करता है, ये सच तो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, मतलब कि क्रिस्टल, इनएक्टिव क्रिस्टल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जब इसको कोई इंसेक्ट खाता है तो उसके मिड गट में जाके ये एसिडिक कंडीशन, अल्कलाइन कंडीशंस में जाके उसको अल्कलाइन कंडीशंस मिलती हैं, फिर ये एक्टिव हो जाता है। अगर ये एक्टिव हो गया, ये क्या करता है, उसके मिड गट के सेल्स में पोर क्रिएट कर देता है, और पोर क्रिएट करने से मटेरियल बाहर आ जाता है सेल का, जिस करके वो सेल बर्स्ट आउट हो जाता है और इंसेक्ट अल्टीमेटली डाइज। ठीक है, तो हम ऑप्शन देखते हैं। एग्जिस्ट एज इनएक्टिव क्रिस्टल इन बैक्टीरिया, यस बैक्टीरिया में तो ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दिस इज करेक्ट। इट टर्न्स एक्टिव इन इंसेक्ट गट, के इंसेक्ट की गट में जाके एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एल्कलाइन कंडीशंस होती हैं। ठीक है, जिस वजह से ये एक्टिव हो जाता है, सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इट इज प्रोडक्ट ऑफ क्रायोजीन, एक क्रायोजीन होता है। ठीक है, क्रायोजीन जो ये क्राइप्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बचिए। सो दिस शुड बी द आंसर, सो करेक्ट आंसर इज दिस। अब हम देखते हैं कैसे। इसमें कहते हैं इट इज प्रोड्यूस्ड इन ऑल फेसेस ऑफ ग्रोथ इन बैक्टीरिया। कहते हैं कि ये सभी बैक्टीरिया के सभी फेसेस में ग्रो करते हैं। बैक्टीरिया में क्या फेज होती है, पहले उसमें लैग आता है, फिर वो लॉग फेज में जाता है, फिर वो स्टेशनरी फेज में जाता है। तो ऐसे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं कि पहले उसके पास खाने को मटेरियल कम होता है, फिर वो एकदम से ग्रो कर जाता है, फिर उसकी ग्रोथ रुक जाती है, जिसको हम स्टडी ग्रोथ या फिर स्टेशनरी फेज बोल देते हैं। तो ये जो होता है बैक्टीरिया अपने स्टेशनरी फेज में बनाता है, एक्सपोनेंशियल और लैग फेज में नहीं बनाता। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सो दिस इज द आंसर। I hope this clears your doubt. Thank you. Class 6 to 12 से लेके NEET, IIT, JEE, mains और advanced के level तक 10 million से ज़्यादा students का भरोसा। आज ही download करें DoubtNet app या WhatsApp कीजिए अपने doubts 8400 400 400 पर।